एजोवस्टाल को तबाह कर रूस का मरियोपोल को रिसोर्ट बनाने का इरादा। शॉट्स के साथ सीधे राहुल। डोनेस पीपल्स रिपब्लिक के चीफ डेनिस पुशलिन ने किया दावा, 60% से ज्यादा तबाह हो चुके मरियोपोल को रिसोर्ट सिटी बनाना ही बेहतर विकल्प। पुशलिन ने कहा मरियोपोल रिसोर्ट सिटी से होगी रूस को कमाई। युद्ध से पहले एजोवस्टाल प्लांट में 10,000 लोग करते थे काम। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, एजोवस्टाल स्टील प्लांट को तबाह करने से एजोवसी को होगा जबरदस्त नुकसान। एजोवस्टाल बॉम्बिंग से प्लांट में रखे खतरनाक केमिकल होंगे लीक। शॉट दिखाएं। एजोवस्टाल तबाह करने से एजोवसी की मरीन लाइफ को भी जबरदस्त नुकसान। मरियोपोल सिटी काउंसिल का परेशान करने वाला खुलासा। तो ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा, ये बहुत चिंता का विषय है और इस खबर पर मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ जनरल साहब मौजूद है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अनुज सर, एजोवस्टाल को उड़ा देने की बात की जा रही है और वहां पर मरियोपोल सिटी काउंसिल कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत मेजर नुकसान होगा। योर टेक ऑन इट सर। अनुज सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लान होगा जब आप देखिए, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वहां पर आप लड़ाई और आगे होने के चांसेस कम है, तो आप क्यों, किस लिए, किस वजह से आप उस जगह को उड़ाएंगे? क्या आपको वहां कुछ और बनाना है या कोई और तरह की तैयारी करनी है? तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार की उड़ाने वाली कोई बात होने वाली है आने वाले टाइम में। आप ये मान के चले कि वो अजोवस्टाल बहुत ही लास्ट बेस्टियन जो कि उनके उन लोगों ने रोक रखा था यूक्रेनियन ने, और वो भी अभी फॉल हो गया है। और मेरे हिसाब से मारियोपोल पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये रूस का, मैंने पहले भी बताया था कि एक मेजर उसका मुद्दा यही था कि किसी प्रकार से पूरे डॉनबास एरिया को क्रिमिया के साथ लैंड रूट से कनेक्ट किया जाए, और वो उसको करने में का मेरे ख्याल से सफल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं इससे पहले निशांत, आई फॉरगॉट टू टेल यू, reaching point number one spot is one thing and staying there forever is another thing. Congratulations to you for that. Thank you very much, sir. Thank you very much. Hats off to our team and... You Stop 9, रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।